हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला हूं। आई होप कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बस आप सभी को कूल माइंड होकर के लास्ट तक एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने हैं। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थ्री पार्ट दिए गए हैं। ये तीनों पार्ट्स को बारीकी से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आप सभी को देने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। अब देखिए, पेयर की बात किया तो देखिए यहाँ पे टू पेयर्स है, पेयर्स है, पेयर्स है, और पॉइंट की बात कर रहा है तो हमने एक और एक दो पॉइंट लिया और इसको हम नाम रख दिया ए और इसका नाम रख दिया बी। ये दोनों ए और से बी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट रख दिए आपको 2, 3 और बी का कोऑर्डिनेट आपको रख दिए 4, 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं और ए से बीच का बीच की दूरी कितना रहा होगा तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना होंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला जो होता है आपको किसके बीच का डिस्टेंस, तो ये बी का बीच का डिस्टेंस, ये भी निकालिए। क्या हो जाएगा आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और दोनों पर क्या कर दीजिए, अंडर रूट चढ़ा दीजिए। ओके, अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है। तो यहाँ पे x1 और y1, x2 और y2, मतलब कि x1 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 4 और y2 का वैल्यू 1। इस तरीका से यहाँ पे पुट करिएगा, आंसर आपको निकल के आ जाएंगे, सॉल्यूशन करिएगा। तो x2 कितना, x2 आपको 4 है, माइनस x1 कितना आपको 2 है, स्क्वायर है स्क्वायर दीजिए, y2 कितना 1 है और y1 कितना 3 है। बस इसमें वैल्यू को पुट करिए, आंसर आपको निकल जाएंगे। यहाँ पे कितना, 4 में से 2 गया 2, स्क्वायर है स्क्वायर लगाइए, माइनस 3 में से 1 गया -2, स्क्वायर है स्क्वायर लगाइए। मेरे प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 होंगे, -2 का स्क्वायर भी आपको 4 ही होंगे। आपको पता है 4 और 4 8 होंगे, स्क्वायर है अंदर रूट है, अंदर रूट रहने दीजिए। यानी ए बी जो है 8 का, आपको अंदर रूट 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्या है क्वेश्चन समझने का, फिर से प्रयास करिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आप मेमोराइज कर लीजिए। वैल्यू आपको जो है वो वैल्यू को पुट किए, सॉल्यूशन कर लिए, आपको आंसर निकल के आ गया। इस तरीका से क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर लेंगे, राइट डाउन किया जाए। चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, एक आप लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट ए और बी डाल दें। एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू -5 और 7 है, बी का कोऑर्डिनेट आपको कितना है -1 और आपको क्या है 3 है। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला देख लीजिए, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, किसके बीच का डिस्टेंस, तो ए बी का बीच का डिस्टेंस निकालना है। वैल्यू पुट करिए, क्या वैल्यू पुट करिएगा, तो ये समझिए x1 है, y1 है, यहाँ पे x2 है और y2 है। ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, आंसर आपको निकल जाएंगे। x2 कितना है तो -1 है, और x1 कितना है तो -5 है। अब बताइए यहाँ पे -5 ऑलरेडी है और -5 हमको पुट करना है तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा ना। नॉर्मल चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए सिंपल से चीज़ें, x2 कितना है तो x2 -1 है, -1 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है, माइनस है और x1 कितना है, -5। अब देखिए यहाँ पे -5 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा ना, तो वही चीज़ हम किए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, प्लस है प्लस है। y2 कितना है, 3 है, और y1 कितना आपको 7 है, माइनस से 7 दीजिए, व स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को अंडर रूट कर दीजिए। अब देखिए 5 में से
आपको वन जाएगा फोर कास्ट पर, आपको माइनस सेवन में से थ्री जाएगा क्या हो जाएगा आपको माइनस फोर कास्ट पाई, अभी क्या हो जाएगा सिक्सटीन और यहाँ पे भी सिक्सटीन, इतना हो जाएगा ए बी आपको सिक्सटीन और सिक्सटीन आपको थर्टी टू हो जाएगा। अगर आप इसको फैक्टर करने आता है पूरे पूरे तो आपको इसको अंडर रूट नहीं निकलेगा, फैक्टर कर लीजिए सिक्सटीन टू एट टू फोर टू टू, यहाँ पे अंडर रूट का मतलब होता है टू का पेयर करना, टू का पेयर मीन्स एक, टू का पेयर का मतलब एक, यानी आपको टू टू या फोर, फोर रूट कितने हो जाएंगे टू हो जाएंगे। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देना चाहेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाए, डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, मेमोराइज भी होना चाहिए। जो वैल्यू है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, सॉल्यूशन नॉर्मली किया, आंसर निकल के आया। तो जल्दी इसको राइट डाउन किया जाए, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब इसका देख लीजिए थर्ड पार्ट जो आपको है, थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्या बोला है पेयर ऑफ पॉइंट, तो पेयर ऑफ पॉइंट दो पेयर्स है, यहाँ पे आप ए और बी कर लीजिए, ये दोनों के ए बी के बीच का डिस्टेंस पूछा है। यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है ए है और बी है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है आपको माइनस ए है और माइनस बी है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो x2 टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर पूरे पर अंदर रूट कर दीजिए। अब क्या होता है यहाँ पे x1, यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं x1 और y x1 y1 x2 y2, इतना चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एफ बी क्या हो जाएगा, x2 कितना है तो माइनस ए है, और x2 x1 कितना है तो a है, तो माइनस है माइनस का साइन लगाएंगे a, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे ओके। अब यहाँ पे प्लस है प्लस लगाएंगे, y2 y2 कितना है माइनस b, और y1 कितना आपको b है माइनस साइन है और b यहाँ पे लगाएंगे ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ बी माइनस में a और माइनस में a तो माइनस टू ए हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर रहने देंगे, प्लस माइनस में भी और माइनस में भी माइनस टू बी हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर रहने देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ बी क्या हो जाएगा एफ बी इसको क्या लिखेंगे टू टू जा फोर, माइनस का आपको स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा फोर ए स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे फोर बी स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, आपको समझ में इतना चीज़ें आना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है मेरे पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए नॉर्मली चीज़ अगर अंदर फोर रहता है तो बाहर क्या निकल के आता है टू, तो यहाँ पर भी फोर है फोर है, जैसे सब पोडर की ऐसे हम कर लेते हैं, चलिए तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है फोर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे तो कर सकते हैं ना, और पूरे पर अंदर रूट चल रहा है अंदर रूट रहने दीजिए एफ बी एफ बी। अच्छा फोर बाहर निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा टू आ जाएगा, और अंदर रूट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब तो इसको से ज़्यादा नहीं टूट रहा है तो यही आपको क्या पास क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएगा। क्या किए हैं कुछ भी नहीं किए हैं, सेम चीज़ें डिस्टेंस फार्मूला लिखें, और डिस्टेंस फार्मूला पे जो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू का वैल्यू है उसको पुट किए सॉल्यूशन किए आपको आंसर निकल के आया। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राइट डाउन कर लिया जाए, साइड हो जाते हैं। तो गाइस क्वेश्चन ए सेकंड है, और क्वेश्चन सेकंड में आपको बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस द टू टर्म्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अब यहाँ पे बात आ रहे हैं कि ए और बी, हमने ए रखा और बी रखा, ये आपको दो टर्न है, टर्न के नाम रख दिए ए और दूसरा टर्न के नाम रख दिए आपको बी, दोनों टर्न के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, जबकि हमको पॉइंट दिया है मीन्स कोऑर्डिनेट दिया है, ए का आपको वो जीरो जीरो दिया है
और आपको बी का जो दिया है आपको 36 और 36 दिया है। एक बार क्वेश्चन को देखना चाहेंगे, क्वेश्चन सही है या गलत है। गलत है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखने में ही पता चला कि क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे 36 और 15 होंगे, 36 और क्या होगा, 15 होगा, बाकी सभी ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस द टू टर्न्स। टू टर्न्स का मतलब हमने टर्न्स को मान लिया ए और बी, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो अभी जस्ट पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंदर रूट दीजिए, किसके बीच का डिस्टेंस, तो दो टर्न है, दो टर्न कौन कौन है, ए और बी है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। अब यहाँ पे क्या होता है, x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, तो यहाँ पे समझिए x1 है और ये y1 है, यहाँ पे x2 है और यहाँ पे y2 है, बस इतने दिमाग में रखने हैं और यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देने हैं, आंसर निकल जाएगा। x2 कितना है, तो x2 आपको 36 है, माइनस है, माइनस का साइन लगाएंगे, आपको x1 कितना है, जीरो है, ओके। अब यहाँ पे इसी तरीका से देखिए y2, तो y2 कितना है, आपको 15 है, y1 कितना है, जीरो है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस, तो ए बी का बीच का डिस्टेंस, अब 36 में से जीरो जाएगा तो 36 ही रहेगा स्क्वायर, और 15 में से जीरो जाएगा 15 रहेगा स्क्वायर, अंदर रूट है, अंदर रूट रहने देंगे। इतना चीज़ समझो, बाकी सॉल्यूशंस आप सभी को आता है, अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो हम ही करके आप सभी को ट्राई करिए, एक मिनट बन गया। इसका कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली सॉल्यूशन होता है उसको करना है। आपको 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 का अगर स्क्वायर हम निकालते हैं तो 1296 आ जाएगा। यहाँ पे 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 225 आ जाएगा। अब दोनों को क्या करिए, ऐड कर लीजिए, दोनों को क्या करिए, ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद आपको कितना आ जाएगा, आपको 1500 अब कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब आप भी पूरा अब इसको अंदर रूट, ये देखिए 10 क्लास में आ गए हैं तो ये सारे चीज़ें समझाना और पढ़ाना उचित नहीं होंगे, आप खुद से करके देखिए कि इसका आंसर कितना आएगा, आप आंसर में देख लीजिएगा कि आंसर कितना आ रहा है। इसको जब पूरे अंदर रूट निकालेंगे तो इसको अंदर रूट जो निकल के आएगा 39 यूनिट निकल के आएगा, ये दोनों ए बी के बीच का जो डिस्टेंस आएगा 39 आएगा। एक बार रिकॉल कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, टू पॉइंट हमने लिया ए और बी, और ये दोनों पॉइंट आपको दिया गया है। कैन यू नाउ द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्न्स, टू टर्न्स ए है और आपको बी है, दो टर्न्स है और दोनों टर्न्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इस तरीका से हम यहाँ पे वैल्यू पुट किए, आपको आंसर निकल के आ गया। इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, एक बार राइट डाउन कर लिया जाए। तो एक क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड है, थर्ड को सोल्यूशन देखते हैं, आप सभी को आई होप कि समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। बाबू कोलिनियर होता क्या है, सबसे पहले तो समझो कि कोलिनियर होता क्या है। तो कोलिनियर होता है, सपोज डेट कि मेरा पास लाइन है, एक लाइन पर दो से अधिक पॉइंट आपको डाल दिए जाएं उसे कोलिनियर बोला जाए, दो या दो से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहा है तो उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। सपोज कि ए है, अरे मेरे पास बी है, अरे मेरे पास सी है, कैसे जानेंगे कि कोलिनियर है, यानी ए सी जो है इक्वल हो जाएगा किसका, ए बी प्लस आपको बी सी का। अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे कोलिनियर है, और इस फॉर्मेट को फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कोलिनियर नहीं है, ओके। तो यहाँ पे तीन पॉइंट है, हमने माना कि वन पॉइंट जो है आपको, ए जो है आपको 1 और 5 है, और बी जो है आपको 2 और
आपको 3 है और C जो आपको है आपको -2 और 11 है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या ऐसा ही है या क्वेश्चन में कुछ बदलाव है। -11 है यहाँ पे, क्या है -11 है, पता नहीं अपने आप पता चल जाता है जब क्वेश्चन को लगता है कहीं ना कहीं कि क्वेश्चन गलत है, तो अपने आप समझ में, जब आप भी मैथ बनाएगा तो आपको भी लगने लगेगा जब क्वेश्चन गलत आएंगे, सॉल्यूशन गलत होगा, तो मैथ अपने आप बता देता है कि कहीं पे गलत हो रहे हैं। तो इस तरीका से आपको क्वेश्चंस बोला गया है 1523 और आपको -2 और -11 है, एक कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोलिनियर का ये रूल होता है कि आपको AC जो है AB प्लस BC होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम AB डिस्टेंस बिटवीन AB निकाल लेते हैं। तो AB हम निकालते हैं, AB तो AB क्या है, AB एक हम पॉइंट लिए और पॉइंट क्या है मेरे पास, A और B है, ओके। और A कितना है आपको पास, 1 और 5 है, और B मेरे पास कितना है आपको, 2 और आपको 3 है। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, अंदर रूट क्या चल रहा है, AB, AB के बीच का डिस्टेंस चल रहा है AB, ओके। अब यहाँ पे X2 क्या आता है, X1 Y1 X2 Y2 ऐसे आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दी, X2 कितना है 2 और X1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 कितना है 3 माइनस Y1 कितना है 5 होल स्क्वायर, इस तरीका से आप कर दीजिए। AB तो 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस -5 में से 2 गया -2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर दीजिए, क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और -2 का स्क्वायर आपको 4 हो जाएगा। तो AB क्या मेरे पास निकल के आया, अंदर रूट 5 निकल के आया। इस तरीका से अब क्या निकालेंगे, AB निकल गया मेरे पास, अब BC निकालेंगे, BC निकाल लीजिए। तो BC B और C, यहाँ पे B कितना है आपको 2 और आपको 3 है, और C मेरे पास कितना है, -2 है और -11 है। इस तरीका से ये दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, X1 Y1 यहाँ पे X2 Y2 डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करिए, डिस्टेंस बार बार फॉर्मूला आप लिखने का प्रयास करें, पूरी अच्छा से आपको समझ में आ जाएंगे फॉर्मूला और मेमोराइज भी हो जाएगा। BC यहाँ पे लिखिए, BC क्या होता है बाबू, BC तो BC जो होता है आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, पूरे पर आपको अंदर रूट है, अंदर रूट रहने दें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसको इरेजर कर लेते हैं, आप राइट डाउन कर लिए होंगे, इसको हम साइड में चाहे रुक जाइए एक मिनट, हम यहाँ पे इस तरीका से इस ऐसे कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू को पुट करेंगे तो BC क्या हो जाएगा मेरे पास, आपको X2 कितना है, -2 है, X1 कितना है आपको, -2 है, मैंने माइनस है और यहाँ पे 2 वैल्यू दिया गया है, तो इस तरीका से आप कर लें। प्लस Y2 कितना है, तो Y2 -11 है, -11 कर लें। और आपको Y1 कितना है, तो आपको 3 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और प्लस 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर है, पूरी ऐसे अंदर रूट चल रहा है, अंदर रूट रहने दें, अंदर रूट रहने दें। BC क्या हो जाएगा आपको, -2 और -2 -4 हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस -11 और -3 माइनस का क्या हो जाएगा, 5 का आपको स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरा चल रहा है स्क्वायर अंदर रूट, और BC क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपको 16 और 15 2 5 हो जाएगा, ओके। दोनों को ऐड करिएगा, BC कितना हो जाएगा आपको 5 11 और 2 और 1 3 और 4 और 2 इतना हो जाएगा, ऐसे इसको आप करिएगा। तो इस तरीके से सोल्यूशन आप एक बार देख सकते हैं, आपको आना चाहिए सारे छोटे छोटे सोल्यूशन आना चाहिए। बाबू थोड़ा सा यहाँ गलत हो रहा है, 11 और 3 क्या 15 नहीं होते हैं, क्या होते हैं 14 होते हैं। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 होगा, यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 2 और 9 और 10 11 और 2 इतना आ जाएगा। तो इसका आपको BC इतना निकल के आया, तो
तो ए बी निकल के आएगा, बी सी, अब ए सी निकाल लीजिए, ए सी एस सी ए, और यहाँ पे कर दीजिए सी। ओके, तो ये कितना है आपको 1 और 5 है। अब सी कितना है, माइनस आपको 2 है और माइनस 11 है। ठीक, बी सी ए बी, ए बी बी सी कर लिए, अब ए सी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ए सी के बीच का दूरी क्या होगा वो हमको निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, वैल्यू को पुट करेंगे किसके बीच का, तो ए सी। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे एक्स टू कितना है माइनस टू है और एक्स वन कितना है, आपको वैल्यू को खाली पुट करते जाइए, माइनस इलेवन माइनस इलेवन और माइनस फाइव स्क्वायर कर दीजिए, अस्सी क्या हो जाएगा, माइनस का 3 स्क्वायर, यहाँ पे दोनों का ऐड करिएगा कितना हो जाएगा आपको माइनस का 16। इस तरीका से आप 80 इस तरीका से आप सॉल्व करिएगा, आपको क्वेश्चंस बनेंगे 100%। माइनस 3 का स्क्वायर करिएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पे करिएगा 256 होगा। 80 इसको ऐड कर दीजिए 5 और 562 इतना हो जाएगा, यानी ए सी जो मेरा पास निकल के आया इतना निकल के आया। आप सोल्यूशन एक बार करके देख सकते हैं इसका सोल्यूशन कितना आ रहा है। सो अब जो मेरे पास फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पर हम इसको पुट करने का प्रयास करेंगे, मिटाने वाला कहा, इस फॉर्मेट को हम पुट करने का प्रयास करेंगे, इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए 80 मेरे पास कितना है 265, एबी कितना मेरे पास है, देखिए एबी मेरे पास कितना है अंडर रूट 5, और बीसी मेरे पास कितना है, देखिए बीसी कितना है आपको 212 इतना है। अब बताइए ये कभी ऐसे ये फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट ए कोलिनियर, इट इज नॉट ए कोलिनियर कोलिनियर लाइन्स, एक कोलिनियर लाइन्स नहीं है या कोलिनियर पॉइंट नहीं है, अपना लैंग्वेज में कुछ भी भाषा का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ए सॉल्यूशन समझ में आया हो, क्या किए हैं बाबू, कुछ भी नहीं बोला कि कोलिनियर है कि नहीं है, तो कोलिनियर चेक करने का तरीके होते हैं ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी होता है। सबसे पहले हम ए बी निकालें, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किए, सॉल्यूशन आप सभी को आना चाहिए। बी सी निकालें, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किए, सॉल्यूशन आप सभी को आना चाहिए। इस तरीका से आपको ए सी निकालें, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किए, आपको आना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट को फुलफिल करता है तो हम बोलेंगे कोलिनियर है, अगर फुलफिल नहीं करता है तो हम बोलेंगे कोलिनियर नहीं है। तो आई होप कि क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन को देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, आज का क्लास यहीं पे रखा जाए।